हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पल्सर 150 सीसी मैं आपको एवरेज सेट करने का तरीका बताता हूँ। बहुत आसान है, आप घर पर भी इसको सेट कर सकते हैं। आइए हम पहले इसका प्लग चेक करते हैं कि प्लग कैसा निकल रहा है। अगर इसका प्लग जो है अगर बिल्कुल काला निकलता है तो इसका एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कस्टमर मुझसे बोल रहे थे, जिनकी बाइक है, बोल रहे थे कि भाई ये 20 का एवरेज निकालती है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पेट्रोल डलवा के। कुछ ऐसा करो इसका एवरेज बढ़ जाए। तो आइए मैं पहले पहला प्लग खोलता हूँ इसका, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्लग कैसा है। इसका प्लग बहुत ही ज़्यादा काला निकला है, इसका मतलब है इसका एवरेज काफ़ी ख़राब है। आइए हम इसको सफाई करके फिर दोबारा से इसको लगाते हैं और एवरेज कैसे सेट होता है वो हम आपको बताते हैं। प्लग को पहले अच्छे से सफाई करते हैं। हम इसके प्लग को फिर से इसमें लगाते हैं और एवरेज सेट करके आपको दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कोई भी कस्टमर है छोटी मोटी प्रॉब्लम अपने घर पर खुद ठीक कर सके। पहले इसको स्टार्ट करना है, फिर इसका आरपीएम बढ़ाना है। इसका आरपीएम जब बढ़ जाए फिर पेचकस लेके इसका जो स्क्रू देख रहे हैं आप, इसको एयर स्क्रू बोलते हैं। एयर वाले स्क्रू को पहले फुल टाइट करना है। ला मुझे फोन दो। इसको फुल टाइट कर लें पहले, इसको एयर वाले स्क्रू को। अब इसको स्लो स्लो करके खोलना है। हाँ, इसको इतना खोलें कि जब इसका आरपीएम और तेज़ होने लगे, पहले तो कसने के बाद में इसका आरपीएम कम होगा, फिर इसका आरपीएम तेज़ होने लगे तो वहीं पर रोक दें, फिर इसका आरपीएम कम कर दें, फिर इसका 1 पे आरपीएम लेके आना है आपको और ये आपका एवरेज ठीक हो गया। अब हम इसके टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे और कुछ देर बाद फिर प्लग खोल के देखते हैं इसका कितना सफ़ेद प्लग हुआ, इससे एवरेज हमारा पता चल जाता है।